नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और पाकिस्तान के बीच कल महामुकाबला खेला जाना है एशिया कप 2022 का। आगाज आज से हो रहा है लेकिन अंजाम कल देखने को मिलेगा जब भारत और पाकिस्तान द टू वर्ल्ड जायंट्स जब आमने सामने होंगे। बहरहाल इस मुकाबले को लेकर फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब ये मुकाबला होगा तो जो टिकट्स हैं वो कितनी बिकी हैं और कितने दर्शक वहां पर मौजूद रहेंगे। बहरहाल खबर ये आ रही है कि 90,000 दर्शक करीब इस मुकाबले को देखते हुए नजर आएंगे, इस मुकाबले का लुत्फ उठाएंगे। यानी कि फैंस जब मैदान पर दिखेंगे तो खिलाड़ियों का जलवा अलग ही एक तरीके की पुकार मारेगा। कोविड काल में जब फैंस नहीं थे तो खिलाड़ियों को भी मजा नहीं आता था, चेयर कोई नहीं करने वाला होता था। क्योंकि आपको बता दें कि दुबई एक ऐसे न्यूट्रल वेन्यू है जहां पर पाकिस्तानी फैंस भी उतने ही आते हैं और भारतीय फैंस भी उतने ही आते हैं। उस लिहाज से बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान का जब ये मुकाबला होगा तो फिर काफी शानदार तरीके से दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आएंगी। बहरहाल पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था वो भी इसी मैदान पर हुआ था जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, और पहले लीग मैच में पाकिस्तान ने भारत को रौंद कर ये बता दिया था कि इस बार पाकिस्तानी टीम पूरी मजबूत नजर आ रही है और भारतीय टीम में थोड़ा सा फियर ऑफ फेलियर भी देखा था हमने। कहीं ना कहीं विराट कोहली और उनकी टीम और उसके बाद अब रोहित शर्मा और उनकी टीम में डिफरेंस है। कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया बेहतर प्रिपेयर होकर आएगी। अभी भी ऑन पेपर अगर देखा जाए, रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत की टीम काफी ज्यादा बेहतर नजर आती है पाकिस्तान की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं अब दोनों टीमें आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। फैंस 90,000 कैपेसिटी में वहां पर मौजूद होंगे। खचाखच भरे स्टेडियम में क्या नजारा होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप कितने तैयार हैं भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।